सकती है, झूठ के अलावा वो और कुछ नहीं बोलती। लड़ाई में खड़े हैं तो हमें डिटेन कर देते हैं, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देते। जो मोदी ने करा है ना, केजरीवाल दिल्ली में सातो की सातो सीटों पे आएगा। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिंदाबाद। अरे क्या विकास किसी गरीब आदमी का पेट भरता है? किस तरीके से देख सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठकर यहाँ पर किस तरीके से, मैं अभी केजरीवाल का कहीं ना कहीं दिखाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से मैं कहूँगा कि मेरे पर संसद दिखाएं, इस तरीके से महिला कार्यकर्ता हूँ या पुरुष कार्यकर्ता हूँ। केजरीवाल केजरीवाल क्या मांगे हैं, किस लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? हमारी मांगे है जो ये भ्रष्टाचार करके अपने आप को बचा रखा है उन पर भी कार्रवाई हो। क्या आपको लगता है दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है? नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये सब बनी बनाई और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर ये पेश करे जा रही है और झूठे केसों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। झूठे केस में फंसाया गया पर बीजेपी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री, बीजेपी झूठी पार्टी है, झूठ के अलावा वो और कुछ नहीं बोलती। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए और किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है या फिर जो भी दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घसीट कर घिस कर ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर कार्यकर्ता आंदोलन में आवाज मुखर करते हुए अपने नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। और भी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं जिन्हें डिटेन किया जा रहा है, जिस तरीके से महिला कार्यकर्ताएं देख सकते हैं जिनसे अभी हमने बात की थी, कहीं ना कहीं उन्हें भी यहाँ पर डिटेन करते दिखाई दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो महिला कार्यकर्ता है उनके साथ भी क्या किस तरीके की मांग आपकी है, किस चीज को डिटेन किया जा रहा है आपको? हमारे को डिटेन किया जा रहा है, आज हम इस लड़ाई में खड़े हैं तो हमें डिटेन कर देते हैं, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देते। जो मोदी ने करा है ना, केजरीवाल दिल्ली में सातों की सातों सीटों पे आएगा। क्या लगता है आम आदमी की आवाजों को दबाया जा रहा है? जा रहा है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, सातों की सातों सीट। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुरुषों को घसीट घसीट कर बसों के अंदर लादने का काम किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरीके से मैं भी केजरीवाल दिखाया जा रहा है, मैं भी केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं वो दिखाया जा रहा है। और बसों के अंदर से भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से नारे लगाए जा रहे हैं, मैं भी केजरीवाल का जो पोस्टर है कहीं ना कहीं बसों के अंदर से भी दिखाने का काम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, किस तरीके से कर रहे हैं। और पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी चुस्त है, जब भी तुरंत आवाज़ उठाने की कोशिश करता है कोई कार्यकर्ता, उसको देख सकते हैं किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माहौल गर्मी का हो चुका है क्योंकि इस समय मौजूद जगह पर जो कि है पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर किस तरीके से भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता जितने भी नेता प्रोटेस्टर्स यहां पर मौजूद थे उन्हें डिटेन करने का काम यहां दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। तमाम बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और बैकअप के लिए CRPF के जवानों की भी मौजूदगी यहां पर मेट्रो स्टेशन के पास की गई है। बैरिकेडिंग से पूरा मेट्रो स्टेशन लगभग सील कर दिया गया है, केवल मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी यहां पर है। और कहीं ना कहीं से ये प्रोटेस्टर्स जो मेट्रो स्टेशन के अंदर से बाहर आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डिटेन करने का काम यहाँ पर पुलिस कर रही है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी आक्रोश दिखाई दे रहा है यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं में भी। क्या मांगे? लोकतंत्र को बचाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके से यहाँ पर पोस्टर छीन कर यहाँ पर पुलिसकर्मी उसको फाड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ जो बस है वो अब आगे निकल चुकी है, डिटेन्ड हुए लोगों को बाहर ले जाया जा रहा है और एक एक कर कर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हो या नेता हो कहीं ना कहीं उन्हें डिटेन करने का काम यहाँ पर दिल्ली पुलिस और उनकी टीम कर रही है। और जिस तरीके से झड़प की भी तस्वीरें महिलाएं हैं, किस तरीके से मीडिया के सामने भी अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखना हो, पुलिस कर्मियों के बीच में भी मनीष
पार्टी का जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिंदाबाद। जब तक भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म नहीं होगी, तब तक सड़कों पर हम उतरते रहेंगे। अगर हम मर भी जाएंगे तब भी हमारी आत्मा भी सड़कों पर जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त देश है, कहां से भ्रष्टाचार मुक्त है? आज अरविंद केजरीवाल जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक काम बताओ, चार साल की बच्ची को सौंप दे रहे हैं फ्री में? बीजेपी क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ दोस्तों, भाइयों, आप लोग कहते हो प्रधानमंत्री के राज में विकास हो रहा है, अरे क्या विकास किसी गरीब आदमी का पेट भरता है? बताओ आप, किसी गरीब आदमी का पेट नहीं करता भरता विकास। याद रखना, इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं मोदी। अरे डिजिटल इंडिया क्या करेगा, जहाँ भूख प्यास से आज भी बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन सा डिजिटल इंडिया? बीजेपी का क्या नाम है? किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं, किस तरीके से देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए कि केजरीवाल के खिलाफ बदले की राजनीति की गई है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कहीं ना कहीं एक एक कर न जाने कहाँ कहाँ किधर किधर से जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो आते जा रहे हैं लगातार, और किस तरीके से पुलिस के साथ चाहे झड़प के तस्वीरें हों या कहीं ना कहीं डिटेन करने की तस्वीरें हों, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो के हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, कहीं ना कहीं एक गुस्से का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और महिलाएं भी किस तरीके से डिटेन की जा रही हैं महिला पुलिसकर्मियों द्वारा, और कहीं ना कहीं पहले पुलिस के द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि आप मेट्रो स्टेशन परिसर से बाहर निकल जाएं, पर अगर उनका जो सलाह ना मानते हुए जो महिलाएं इस समय प्रोटेस्ट में पार्ट ले रही हैं उनको डिटेन करने का काम भी दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर लगातार कर रही है, चाहे वो महिलाएं हों, महिला कार्यकर्ता हों या पुरुष कार्यकर्ता हों, किस तरीके से उन्हें डिटेन करने का काम यहां पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से पहले हिदायत दी जा रही है कि मेट्रो स्टेशन परिसर के बाहर निकल जाया जाए, अगर वो कार्यकर्ता बात सुन रहे हैं तो ठीक है, वरना उन्हें डिटेन करने का भी काम दिल्ली पुलिस बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम चौबे, सौगंध टीवी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।